दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा सिर्फ चंद घंटे बाकी। एशिया कप के सुपर फोर मरहले में रवायती हरीफ आज टकराएंगे। कोलंबो के क्रिकेट स्टेडियम में दिन 2:30 बजे मैदान सजेगा। पाक भारत टीमों की जमकर प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग पर तवज्जो दी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने वाली टीम ही मैदान में उतरेगी। पाक भारत टाकरे में बादल भी बरसने को तैयार। वक्फे से बारिश की पेशगोई। ACC ने PCB की दरखास्त पर रिजर्व डे की मंजूरी दे दी। आज मैच मुकम्मल ना हुआ तो पीर को वहीं से शुरू होगा। बाबर आजम को अपने खतरनाक बॉलर्स पर मुकम्मल एतमाद, कहते हैं पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स का बेहतरीन अटैक है, वही मैचेस और टूर्नामेंट जितवाते हैं। हम स्टार्ट और फिनिश अच्छा कर रहे हैं, मिडल ओवर्स में विकेटों की ज़रूरत है। हम मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, श्रीलंका की कंडीशन बखूबी जानते हैं, वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड तकरीबन बना चुके, किसी का भी दिल नहीं टूटेगा। भारतीय बल्लेबाजों के आसाब पर पाकिस्तानी बॉलर्स का खौफ सवार। लेफ्ट आर्म थ्रो बॉलर नवान रत्ने की खिदमत हासिल कर लीं। इन और आउटस्विंग की निशानदही के लिए मशीनों का इस्तेमाल। शुभमन गिल ने सबसे तवील प्रैक्टिस की। श्रेयस अय्यर ने 1 घंटे से जायद का सेशन किया। कमबैक के लिए कोशां। लोकेश राहुल ने भी खूब पसीना बहाया। राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर ऑलराउंडर्स और टेलेंडर्स की प्रैक्टिस जांचते रहे। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अच्छा है, गलबा हासिल करने की कोशिश करेंगे। पहली बार खेल रहे हों तो फर्क पड़ता है। भारतीय बैटर शुभमन गिल ने अपनी कमजोरी बता दी, कहते हैं नसीम की स्विंग करती गेंद बैटर्स के लिए मुश्किलात का सबब बनती है। शुभमन गिल ने बाबर आजम की तारीफों के पुल भी बांध दिए, कहा बाबर आजम टॉप क्लास बैटर हैं, सबकी निगाहें उन पर ही होती हैं। पाकिस्तान और भारत के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, तमाम बैटर्स और बॉलर्स मैच का पांसा पलटने के माहिर। कप्तान बाबर आजम वनडे की आलमी रैंकिंग में नंबर वन। फखर जमान डबल सेंचुरी बनाने वाले टीम के वाहद बैटर। शादाब खान बैटिंग और बॉलिंग दोनों में हैरान कर सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की खतरनाक बॉलिंग भारत के लिए खतरा। आरिस रऊफ और नसीम शाह भी तेज गेंदों पर विकटें उड़ा सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 3 डबल सेंचुरियां बना चुके। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन भी पाकिस्तानी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। खसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। एशिया कप में पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपनी धाक मिटा दी। इवेंट के पहले तीनों मैचेस में तमाम 30 विकेटें उड़ा चुके। पहले मैच में पूरी नेपाली टीम को 24वें ओवर में 104 रन पर ढेर किया। शादाब खान ने 4 खिलाड़ियों का शिकार किया। दूसरे टाकरे में पूरी भारतीय टीम को भी चलता किया। शाहीन आफरीदी ने 4, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें ली। तीसरे मैच में बांग्लादेशी टीम की भी 10 शिकार। 40वें ओवर में 193 रन पर पवेलियन भेज दिया। हारिस रऊफ ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाक भारत मैच का बहुत बेसब्री से इंतजार है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान भारत को शिकस्त देगा इंशाल्लाह, और बारिश की वजह से जो पहले उनकी बचत हो गई वो अब नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत का मैच है, हमें शाहीन अफरीदी से और बाबर आजम से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। इंशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में ही विकेट ले लेंगे, और विराट कोहली तो ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी आउट करेंगे। तो बड़ी टीम्स का मैच है, तो अब जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। क्रिकेट बुखार सरहद के दोनों अतराफ। शायकी ने क्रिकेट को पाक भारत टाकरे का इंतजार, कहते हैं पाक भारत मैच किसी त्यौहार से कम नहीं। मैच देखने के लिए शहर शहर बड़ी स्क्रीन्स लगाने की तैयारियां। यारों दोस्तों की महफिलें सजाने का प्लान। फैमिलीज ने भी आज की छुट्टी पाक भारत मैच के लिए वक्फ कर दी। एशिया कप के सुपर फोर मरहले के सुपर मुकाबले जारी।
श्रीलंका ने बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका के 257 रन के ताकुब में बांग्लादेशी टीम 236 पर ढेर हो गई। श्रीलंका के सुधीर कुसुमारा की शानदार 93 रन, कुशल मेंडिस ने निस्फ सेंचुरी बनाई। बांग्लादेश के बैटर तौहीद के 82 रन किसी काम न आए। घर के मामलात में आसिफ जरदारी का पाबंद हूँ, सियासत में सीईसी के फैसलों पर अमल का पाबंद हूँ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया। बदीन में कारकुनान से खिताब में कहा, आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, पीपल्स पार्टी के जयाले इलेक्शन के लिए तैयार हैं, रातों रात मसाइल हल करने का वादा नहीं करूँगा। हैदराबाद पहुंचकर खिताब में कहा, 90 दिन में नहीं कराना चाहते इलेक्शन तो कब कराएंगे, इलेक्शन 100 दिन में होंगे या 120 दिन लगेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ठट्ठा सजावल और टंडू मोहम्मद खान के दौरे भी किए, कारकुनान ने वालेहाना इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो नवाबशाह सक्खर शिकारपुर और कश्मीर भी जाएंगे। सियासत नहीं मुईशत, मफाहमत के बाद जो आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कहते हैं सियासत के बजाय मुईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए, मुल्क बहरान का शिकार है। SIFC के मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा, साबिक सदर ने कहा, निगरान हुकूमत मंसूबों को जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। आसिफ अली जरदारी ने भी नई हल्काबंदियों की हिमायत कर दी, कहते हैं मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियाँ कराने का पाबंद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर पूरा एतमाद है। गिलगित के हल्का तीरा स्टोर वन का जिमनी इलेक्शन PTI के नाम, गैर हतमी गैर सरकारी नतज के मुताबिक PTI के खुर्शीद खान 6191 वोट लेकर कामयाब, नून लीग के फरहान अली ने 4899 वोट लिए, पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद 4079 वोट ले सके। नशेद साबिक वजीर अला गिलगित की नाअहली पर खाली हुई थी। अफराद और कारोबार से मुंसलिक अशखास जो बैरून मुल्क हैं वो अगर पाकिस्तान आना चाहें तो एक दस्तावेज़ उन ममालिक की जानिब से या बैनुल अक्वामी कारोबार इदारों की जानिब से जब इशू होगा उसके तहत वीज़ा का इजरा आसानी से पाकिस्तान के तमाम मिशन्स के। पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है, निगरान वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के अपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। इजलास के दूसरे रोज भी सियासी और असली क़यादत की मुशावरत, बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ ने कहा, इजलास में नई वीज़ा रजीम के हवाले से अहम फैसले किए गए, कारोबारी अफराद को बआसानी वीज़ा फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। किसी को बंदूक और तशद्दुद के जोर पर एजेंडा मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे, खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी इजलास के बाद वफाकी वज़रा की ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर दाखला सरफराज बुकटी ने कहा, स्मगलिंग से मुल्की मईशत को बहुत नुकसान हो रहा है, आने वाले दिनों में स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे, गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजने के लिए पॉलिसी तय कर ली। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास ने कहा, SIFC के क़याम से सरमायाकारी बड़ी, चीन समेत दीगर मुल्कों से ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं, GCC ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत को मजीद फरोग दिया जा रहा है। बिजली चोरों पर जमीन तंग, मुल्क भर में क्रैकडाउन, कनेक्शंस मुनक़ता, भारी जुर्माने, मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारियां तेज कर दी गईं। हेस्को रीजन में दो रोज के दौरान 4690 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए, 3 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई, बड़े पैमाने पर अफसरान के तकर्रुर तबादले भी कर दिए गए। जनूबी पंजाब से 319 बिजली चोर पकड़े गए, पेशावर में बिजली चोरी के 200 से ज्यादा मुकदमा दर्ज, 50 लाख की रिकवरी। लेस्को रीजन में ऑपरेशन का तीसरा रोज, मजीद 248 बिजली चोर पकड़े गए, बिजली चोरी में मुलाविस 1 SDO नौकरी से बर्खास्त, एक्सियन की तरक्की रोक दी गई। नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन, 1 घंटे बाद बिजली की फराहमी बहाल, हाई टेंशन लाइन में फनी खराबी के बाइस 10 ग्रिड स्टेशन बंद और 400 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए थे।
गैस की कीमतें 50% तक बढ़ाने का खदशा सामने आया है। गैस के शोबे के नुकसान आवाम पर मुंतकिल करने का फैसला। गैस सेक्टर का मजमुई गर्दशी कर्जा 27 अरब तक पहुँच चुका। सालाना नुकसान 350 अरब रुपए हो गया। गैस कीमतों में इजाफे से मुतालिक ओग्रा पहले ही मंजूरी दे चुका। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट गैर आइनी करार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरखास्त दायर कर दी। सदर मुमलिकत विफाक और कौमी असम्बली दरखास्त में फरीक। केस के हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट मुअत्तल करने की इस्तदा। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलदम करार देने का फैसला चैलेंज। वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। दस साल बरतानवी बच्ची सारा कत्ल केस में पेशरफ्त। जेहलम से बच्ची के दादा और दो चचा गिरफ्तार। 10 अफराद जेर हिरासत। पुलिस ने मुलजिमान की 3 गाड़ियां कब्जे में ले ली। मरकजी मुलजिम ताहाल कानून की गिरफ्त में ना आ सके। भारत में G20 सरबराही इजलास। चीन और रूस के सदूर शरीक न हुए। चीनी सदरों की पहली बार G20 इजलास में अदम शिरकत। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन। सड़कें सुनसान। मोदी हुकूमत ने सब अच्छा दिखाने के लिए कच्ची आबादियों को ढांप दिया। दिल्ली से जानवरों खसूसन कुत्तों को निकाल दिया गया। 100 से ज्यादा मुस्लिम ताजरों की दुकानें जला दी गईं। घर मिसमार। रुस्तम में पाकिस्तान। झारा पहलवान को दुनिया से रुख्सत हुए 32 साल बीत गए। झारा पहलवान 60 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की मुकाबलों में नाकाबले शिकस्त रहे। सिर्फ 31 वर्ष की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। लाहौर के मोहनी रोड पर वाके भोलू पहलवान के अखाड़े में दफन किया गया। नेमार ने पहले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ब्राजील की जानिब से सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। 31 साल नेमार ने 78 गोल करके रिकॉर्ड अपने नाम किया। ब्राजील के लेजेंडरी फुटबॉलर ने 77 गोल किए थे। इस्लामाबाद क्लब में महफिल गजल। उस्ताद हामिद अली खान ने समा बांध दिया। हाजरीन झूमते रहे, खूब दाद दी। और मासी की मारूफ अदाकारा जेबाली ने जिंदगी की 78 बहारें देखी। जेबाली ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर 27 साल राज किया। हिलाल इम्तियाज निगार अवार्ड समेत मुतातिब एजाजात से नवाजा जा चुका है।